सिंगरौली जिले में बीजेपी विधायक रामलाल वैश्य के पुत्र ने पिता की रसूख के मद में चूर होकर एक बार फिर दुस्साहसपूर्ण कारनामे को अंजाम दिया। अब की बार विधायक पुत्र की गुंडागर्दी का शिकार वनकर्मी हुआ है। गुंडों के साथ मिलकर पहले वनकर्मी की जमकर पिटाई की, उसके बाद गोली मारकर घायल कर दिया। विधायक पुत्र के नाराजगी की वजह ड्यूटी पर तैनात वनकर्मी द्वारा कोयले से लदे वाहन का दस्तावेज मांगना हुआ। घटना देर रात खनहना बैरियर की है। हाँ, ये फॉरेस्ट के मुंशियाँ खनाना चौकी में पदस्थ हैं। फॉरेस्ट की चौकी है। कल रात में करीब 2:30 बजे के आसपास में एक विवेक वैश्य और धर्मेंद्र सिंह, इन दो लोगों के नाम आए हैं, जो उन्होंने बताया है कि लोग अपने 4-5 साथियों के साथ पहुँचे थे वहाँ और किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसमें मारपीट और तोड़फोड़ की। फॉरेस्ट गार्ड का ये भी कहना था कि उसने फायर किया। थाने पर जो रिपोर्ट प्राप्त हुई, उस रिपोर्ट पर से थाना प्रभारी मोरबा के द्वारा एक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें 353, 332, 336, 427, 34 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले को विवेचना में ले लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें पता चल रहा कि जो मारपीट करने वाला व्यक्ति है क्षेत्रीय विधायक का बेटा है। हाँ, ये जानकारी लगी है पुलिस को भी कि जो विवेक है वो, जो आपका कहना है वो सही है। सर, इस पूरी घटना में आचार संहिता के दौरान पिस्टल और बंदूक पे पूरे तरीके से बैन लगा हुआ है, वो सरकारी दफ्तरों में जमा है, उस दौरान उनके पास बंदूक या पिस्टल कहाँ से आई? इस संबंध में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जैसा ही गार्ड ने बताया कि ऐसी घटनाक्रम हुआ था, इस घटनाक्रम की भी पुलिस तस्दीक कर रही है। अगर इस तरह का कोई आर्म्स की बात भी आएगी, जिस तरह का गार्ड ने बताया है, अगर वो सही पाया जाए तो वो भी धारा लग के वो भी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल से सर पिस्टल की गोलियाँ मिली है। निश्चित रूप से जो आपका मैंने बताया अभी कि अगर इसमें तथ्य आता है कि इस तरह के कृत्य किया गया है, तो वो लाइसेंस वेपन था, बगैर लाइसेंस का वेपन था, पुलिस पूरी तस्दीक को जांच करके उसमें धाराओं का जो इजाफा किया जाना, इजाफा करके कार्रवाई की जाएगी।